वंचा सिंह हमारे साथ, हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, लेकिन पूरी ऊर्जा के साथ क्षेत्र में और प्रदेश में मेहनत मशक्कत करते हैं आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी। हमारे क्षेत्र में जिन्होंने सालों साल इस क्षेत्र की मेहनत मशक्कत में संगठन के लिए और जनसेवा के लिए अपना समस्त जीवन समर्पित किया है, ऐसे आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे ग्रामीण जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा जी, हमारे कार्य समिति के सदस्यगण अशोक शर्मा जी, राम कुमार परमार जी, हमारे यहां उपस्थित राजू सेंगर जी, हमारे जिला के महामंत्री जी, हमारे मंडल अध्यक्षगण मनमोहन पाठक जी, प्रयाग तोमर जी, ब्रजमोहन शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक मदन कुशवाहा जी, किशन मुद्गल जी, राम अवतार सिंह जी बैस साहेब, बैरिस्टर राठौड़ जी, डॉक्टर कुमार रत्नम जी, गिरीश शर्मा जी, शिव सिंह यादव जी, सत्येंद्र शर्मा जी, मंच पर आसीन समस्त हमारे महानुभाव, और मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण इस क्षेत्र की नहीं, इस कॉलेज की नहीं, ग्वालियर की नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, लेकिन देश का भविष्य जो मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरे नौजवान दोस्तों, मैं बधाई देना चाहता हूं और आप लोगों को शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। मैं बधाई और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं क्योंकि एक ऐसे कॉलेज के वार्षिक उत्सव में मुझे आमंत्रित किया गया है जिस कॉलेज का नामांतरण एक ऐसे महान विभूति के नाम पर रखा गया है जिन्होंने सदैव जनसेवा का पथ अपनाकर इस ग्वालियर की आन शान को बढ़ाने का कार्य डॉक्टर भगवत सहाय जी ने किया था। 1897 में इनका जन्म हुआ और अभी हमारे प्राचार्य जी गिरीश जी कह रहे थे कि उस जमाने में मेरे आजोबा मेरे दादा शिवाजीराव महाराज पूरी स्टेट की देखरेख कर रहे थे। डॉक्टर भगवत साय साहब ने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया कि आम जनता, गरीब जनता की स्वास्थ्य की सेवा। आजकल बड़े बड़े डॉक्टर के पास, बड़े बड़े अस्पताल के पास हम लोगों को जाना पड़ता है, खर्चे के बिल भी इतने महान आते हैं, लेकिन डॉक्टर भगवत साय एक ऐसे व्यक्ति थे जो गरीबों के लिए स्वयं सहायता देने के लिए सदैव अपने साथ पूर्ण रूप से समर्पित रहते थे। और उन्होंने एक सोच विचार के आधार पर मेरे दादा शिवाजीराव महाराज जी को कहा कि एक मेडिकल कॉलेज स्टेट के जमाने में स्थापित होनी चाहिए, और उसी एक बीज के साथ, एक विचारधारा के साथ, एक सोच के साथ जीआर मेडिकल गजराजे मेडिकल कॉलेज की स्थापना ग्वालियर में हुई और पहला स्टेट था पूरे राष्ट्र में जहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो डॉक्टर भगवत साय साहब का रहता है। और अंत में उस जीआर मेडिकल कॉलेज की टीम में इनकी जीवन शैली से, जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस कॉलेज में सरस्वती मां की ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, उस कॉलेज का नामांतरण जिस हस्ती पे किया गया है, उनके जीवन से आपको और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे सरलता से, सौम्य स्वभाव
और मानवता के आधार पर कैसे अपना जीवन अपने परिवार के लिए नहीं, अपने नाम के लिए नहीं, लेकिन समूचे क्षेत्र के लिए अर्पण करना है, तो भगवत साई साहब से हमें सीखना होगा। और आप लोगों को गर्व होना चाहिए, जब आप इस कॉलेज के दरवाजों से ग्रेजुएट होकर निकलोगे और लोग आपसे पूछेंगे कि कौन से कॉलेज के ग्रेजुएट थे, तो हम डॉक्टर भगवत साई कॉलेज के ग्रेजुएट रहे। ये इस कॉलेज की प्रतिष्ठा है, इस कॉलेज की मान है, इस कॉलेज की सम्मान है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष राम अवतार जी, हमारे कॉलेज के प्राचार्य, हमारे कॉलेज की फैकल्टी और आप सब मिलकर, जहां एक तरफ वाणिज्य भवन 4 करोड़ का नया बन रहा है, ह्यूमैनिटीज का नया भवन, साइंस का भवन 5 करोड़ का बन रहा है, प्रगति और विकास में डॉक्टर भगवत साय महाविद्यालय आगे रहेगा, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। आज का परिदृश्य आपसे चर्चा करने के लिए मैं इसलिए आया हूं, क्योंकि भारत बदल रहा है, देश बदल रहा है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस देश को अंतिम पंक्ति में देखा जाता था, पिछड़ा हुआ देश की श्रेणी में रखा जाता था, आज वही देश जो 2013-14 में 11 नंबर पर था आर्थिक क्षमता पर, 9 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 5 नंबर पर पहुंच चुका है। और किसको हमने पीछे छोड़ा? जो देश सपना देख रहा था हमारे देश पर राज करने का, उस यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड को पिछाड़ के मोदी जी ने 5वें नंबर पर देश को पहुंचा। और यह सफर यहां नहीं रुकेगा, ये 2023 है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2030 तक भारत जो आज 5वें नंबर पर है, 2030 तक हम जापान और जर्मनी को पीछा छोड़ के 3 नंबर पर पहुंचे। अब तालियों को भरी तो ये करेगा कौन? करेगा कौन? किसी भी देश में अगर परिवर्तन आता है, अगर चेंज आता है, तो वो परिवर्तन और चेंज उस देश की युवा पीढ़ी लेके आती है। ये देश का भविष्य आपके हाथों में। और आपके समक्ष आकर अभी मैं बात कर रहा था मंच पर, अशोक शर्मा जी इस कॉलेज के अध्यक्ष रहे, मैं बात कर रहा था कि मुझे भी अपनी जवानी याद आ गई है। अब मैं अपना उम्र नहीं बताने वाला आपको, पर कॉलेज के दिन सबसे स्वतंत्र दिन होते हैं। मेहनत मशक्कत करने वाले दिन जरूर रहते हैं, पर याद रखना इस कॉलेज के वातावरण में जो दोस्त बनाओगे आप, वो दोस्त अपने संपूर्ण जीवन के ऊर्जा के स्रोत रहेंगे। जो रिश्ते आप कॉलेज में बनाओगे, वो रिश्ते दोस्तों के बीच में, भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, वो रिश्ते आपका साथ आपके जीवन भर देंगे। तो जितनी मेहनत मशक्कत करोगे, पढ़ाई में कोई कमी मत रखना, एक प्रगतिशील और एक प्रतियोगिता का वातावरण जरूर रखना, लेकिन यह भी याद रखना कि जहां इंडिविजुअल परफॉर्मेंस महत्वपूर्ण है, जैसे जिन बच्चों को आज हमने पुरस्कृत किया है उनके लिए तालियों की
कॉलेज के हीरोज हैं। और मुझे तो इस बात का बड़ा गर्व है कि मेरी कॉलेज की बच्ची दीपा शर्मा आज इंडियन हॉकी टीम की गोलकीपर बन गई है। अरे चकले इंडिया है तो यहां तो मेरा चकले ग्वालियर बन चुका है। तालियों की गड़गड़ाहट से दीपा जी की मांग कर लिए तालियों ने, दीपा जी की मांग का है। आप पिताजी नहीं मांग, बच्चों को परवरिश करने में पिता से ज्यादा मां का दायित्व तो होता है और मां का योगदान होता है। ठीक मान देखे नहीं ठीक मान देखो तालियों की गड़गड़ाहट। और हमारी माता जी के लिए ऐसी तालियां बजाओ कि उनकी पूरी जीवन की तपस्या पूर्ण सत्य हो जाए। और दीपा को हमारे तरफ से, केवल मेरे तरफ से नहीं, मंचासीन हमारे सभी महानुभाव नहीं, लेकिन ये कॉलेज की समूचे बच्चों की तरफ से हमारे तरफ से साधुवाद उनको जरूर दे देना। ये कॉलेज का झंडा दीपा के हाथ में है, ग्वालियर चंबल संभाग का झंडा दीपा के हाथ में है, मध्य प्रदेश का झंडा दीपा के हाथ में है और भारत माता का झंडा दीपा के हाथ में है। चाहे दीपा की हम बात करें, कुश्ती में हमारा नौजवान लड़का इस क्षेत्र का राहुल सिंह तोमर, कहां है राहुल, कहां है राहुल, राहुल सिंह तोमर ने कुश्ती में जो चार चांद लगाई है ग्वालियर के लिए, उसके लिए भी तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद हम लोग अर्पित करें। चाहे कुश्ती हो, चाहे हॉकी हो, चाहे शूटिंग हो, चाहे योग हो, क्या करिश्मा है भगवत साहिब कॉलेज में भैया, तालियों की गड़गड़ाहट से मैं आप लोगों का साधुवाद करता हूं। और यही युवा पीढ़ी की क्षमता है। दो बातें आपके समक्ष में रखूंगा और ये मेरी जीवन की स्वयं की अनुभव है। जब मैं कॉलेज में था हार्वर्ड में, जब मैं एमबीए करने गया स्टैनफोर्ड में, दो चीज की अनुभव जो उन दोनों कॉलेजों में मेरे साथ रहा। एक, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि लक्ष्य निर्धारित करना और उस लक्ष्य निर्धारित करने के बाद जागने के समय में, सोने के समय में, अध्ययन के समय में, खेल कूद के प्रांगण के समय में उसी लक्ष्य के बारे में सोचना है, किसी और के बारे में नहीं। जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति न हो, डटे रहो और लगे रहो। और दूसरी बात मैं कहना चाहता कि ये याद रखना सदैव, अभी कॉलेज में आप एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में लगे। अभी एनसीसी में मेरा नौजवान कैडेट देश में माना गया है। हमारे स्पोर्ट्स के मैदान पर प्रतियोगिता में एक के विरुद्ध एक, चाहे बैडमिंटन हो, स्क्वाश हो, कबड्डी हो, पर जिंदगी में याद रखना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा अपनी टीम का परफॉर्मेंस बहुत महत्वपूर्ण है। तो टीम बना और टीम भावना में भाईचारा का वातावरण पैदा करो। अंग्रेजी में कहावत है, चाहे कोई भी खेल देख लो, क्रिकेट की प्रतियोगिता देख लो, फुटबॉल देख लो, हॉकी देख लो, वहां एक सुपरस्टार अगर आपको मिले, लेकिन अगर बाकी टीम इतनी मजबूत ना हो तो सुपरस्टार अकेले कुछ नहीं कर सकता। टीम एफर्ट होने की जरूरत है और सकारात्मक सोच सदैव जिंदगी में रखना, एक दूसरे की कमियों को मजबूती प्रदान करने की कोशिश करना। कभी कभी जिंदगी में कैंकरों वाली आदत होती है कि अगर मैं आगे जाना चाहता हूं तो मेरा मकसद नहीं होता है अपने आप आगे जाना, लेकिन जो मेरे आगे है उसके टांग पकड़ के खींचने की आदत होती है। ये भावना कभी मत रखना
अगर किसी की लकीर लंबी है तो उससे ज्यादा लंबा लकीर खींचने का एक लक्ष्य अपने साथ रखें। और किसी दिन आज नहीं तो कल उस भावना की पहचान होगी, उस सकारात्मक सोच की पहचान होगी। राजनीति के क्षेत्र में भी मेरा बहुत अनुभव रहा है, कई लोगों की सोच होती है कि दूसरे का टांग खींचना। सदैव हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि एक साथ मिलकर भाईचारे के भाव के साथ जब नींव मजबूत होगा तब पार्टी मजबूत होगी, और जब पार्टी मजबूत होगी तब पूरा क्षेत्र मजबूत होगा और विकास और प्रगति की बाढ़ क्षेत्र में लाने में हम लोग संभव हो पाएंगे। आज ग्वालियर में नया एयरपोर्ट बन रहा है, कितने लोगों ने देखा है एयरपोर्ट, और कैसा एयरपोर्ट भोपाल इंदौर, कितने लोग गए यहाँ भोपाल इंदौर का एयरपोर्ट, कितने लोगों ने देखा है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है, ये याद रखना ग्वालियर का एयरपोर्ट भोपाल और इंदौर से बड़ा बना है। 2 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट बना रहा हूं मैं, और जिस एयरपोर्ट में केवल हमारे मिराज और सुखोई की आवाज आती थी, जैसे अभी आ रहे हैं वायुसेना की, कोई प्लेन नहीं आता था यहां, छोटा ना मोटा। आज उसी ग्वालियर में छोटा प्लेन नहीं, एयरबस A320 विमान 200 की क्षमता का विमान आपको बॉम्बे ले जा सकता है, आपको दिल्ली ले जा सकता है, आपको हैदराबाद ले जा सकता है, आपको कोलकाता ले जा सकता है, छोटा विमान आपको इंदौर ले जा सकता है। तो पूरे देश के साथ जुड़ाने का काम, यहां रेलवे स्टेशन 500 करोड़ का बनने जा रहा है, हमारे ग्वालियर में ट्रैफिक की बहुत कठिनाई है कि नहीं? अरे बोलो भाई, है कि अगर ट्रैफिक की कठिनाई है तो समाधान हम लेके आए हैं, 18 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड 1500 करोड़ रुपए का मैंने स्वीकृत करवा दिया है, और धन्यवाद मैं शिवराज सिंह जी को देता हूं, धन्यवाद मैं गडकरी जी को देता हूं। प्रथम की सोच थी, हमने DTR बना, शिवराज सिंह जी से हमने घोषणा करवाई, गडकरी साहब से हमने राशि ली, अब दिख रहा है कि नहीं कि काम शुरू हो रहा है, और रिकॉर्ड टाइम में हम तैयार करके ये एलिवेटेड रोड तैयार करेंगे, जैसे इंदौर भोपाल और दिल्ली में फ्लाईओवर होता है ना एंट्री और एग्जिट, वैसे ग्वालियर में बनेगा फ्लाईओवर और एंट्री। हमारा संकल्प है कि ग्वालियर बने ऐसा ग्वालियर बने जो मध्य प्रदेश की आन बान शान बने। मेरे साथ जुड़ोगे इस अभियान में तो एक एक नौजवान मेरे साथ मिलकर नई सोच विचारधारा उत्पन्न करनी होगी, एक सकारात्मक सोच और विचारधारा उत्पन्न करनी होगी, और ये चिंता मत करो किसी के बारे में, हमें विकास और प्रगति लाना होगा। आज राम अवतार सिंह जी ने इस प्रांगण की बात की है, आप चिंता मत करो, जब मैं रहूं आपका प्रांगण बना के हम रहें।